आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, अगर आपके जहन में कुछ सवाल चल रहे हो कि मैं इसमें क्या देख रहा था, तो वो सारे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल पेटीएम ने कुछ नए अनाउंसमेंट किए हैं अपने यूजर्स को पोस्टपेड में ज्यादा फायदा देने के लिए। वही मैं कुछ चेक कर रहा था दोस्तों, पूरी की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज की वीडियो में पेटीएम पोस्टपेड को लेकर। दरअसल दोस्तों ये एक फैसिलिटी है पेटीएम की तरफ से जो कि केवाईसी पूरी कर चुके यूजर्स को दी जाती है पेटीएम की तरफ से। उनके क्रेडिट लिमिट में कुछ अमाउंट दिया जाता है जिससे यूज करके यूजर कुछ परचेज कर सकता है, कहीं पर खर्च कर सकता है, उस अमाउंट को बाद में उसको चुका सकता है। अलग अलग इंस्टॉलमेंट के ऑफर भी आते हैं और भी फैसिलिटीज है जहां से बाद में चल के उसको कुछ हल्के से इंटरेस्ट के साथ में लौटाया जा सकता है। लेकिन इस समय लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से कंपनियों ने बहुत सारी अपनी फैसिलिटीज अपने फीचर्स में चेंजेस किए, तो पेटीएम ने भी इसकी जरूरत महसूस की है कि जो क्रेडिट लिमिट है यूजर के लिए उसको बढ़ाया जाए और इसको और ज्यादा फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए पेटीएम ने दो NBFC यानी कि नेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज के साथ में मिलके क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया है अपने यूजर्स की जो कि पोस्टपेड सर्विस का यूज करते हैं। पहले ये लिमिट कम हुआ करती थी दोस्तों, अब इसको 1,00,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है और साथ में इसका विस्तार भी कर दिया गया है। यानी कि आप इस लिमिट को जो क्रेडिट आपको मिलेगा उसका और भी ज्यादा जगहों पर यूज कर सकेंगे। यहां तक कि आप अपने दूध वाले को पेमेंट कर सकेंगे, जो आपकी नुक्कड़ की पड़ोस की गली की दुकान है वहां पर ग्रोसरी का पेमेंट कर सकेंगे, ब्रेड का पेमेंट कर सकेंगे, रोटी का पेमेंट कर सकेंगे और बहुत कुछ। इसके साथ में आप अपोलो फार्मेसी है या फिर आप पिज्जा हट पे जाते हैं और भी ढेर सारी मॉल शॉपिंग मॉल दुकानें हैं वहां पर भी आप डायरेक्ट पेटीएम कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं इस लिमिट के साथ में। ये लिमिट है दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड यूजर्स के लिए। अब आपको बता देता हूं कि इसमें करना क्या होगा। दो कैटेगरी कंपनी ने डिफाइन की है, एक है लाइट और दूसरी है डिलाइट। दरअसल दोस्तों आपकी लिमिट इसी पर डिपेंड करेगी कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आप लाइट में हैं तो आपको 20,000 से लेके 1,00,000 के बीच में कम लिमिट आपको 50,000 तक की मिल सकती है। अगर आप डिलाइट में हैं तो आपको 1,00,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। इसको हासिल करने का तरीका क्या है दोस्तों, आपको पेटीएम पर जाकर अपना KYC अपडेट करना होगा, साथ में जो दो NBFC कंपनीज हैं जो उसके साथ में टाई अप हुआ है वहां पर भी आपको अपना KYC अपडेट कराना होगा। उसके बाद में आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी दोस्तों और आप इसका भरपूर तरीके से यूज कर सकेंगे बड़े ही आसानी से। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इसका पेमेंट आप कहाँ कहाँ यूज कर सकेंगे, एक बार मैं जान लेते हैं फटाफट से। अगर आपको ग्रोसरी खरीदना है तो दोस्तों आप रिलायंस फ्रेश, हल्दीराम, अपोलो फार्मेसी, उसके अलावा क्रोमा वगैरह पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ परचेज किया है डेली नीड्स की चीजें तो आप डोमिनोज या फिर टेस्टी, पेपर फ्राई, हंगर बॉक्स, पतंजलि, स्पेंसर जगहों पर जाकर भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और इस क्रेडिट लिमिट का बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। बाद में पे करने के लिए आपको ढेर सारे पेटीएम की तरफ से ऑफर मिल जाएंगे, EMI में भी आप चुका सकते हैं या फिर पूरा का पूरा अमाउंट जब आपका जो भी डेट है महीने के बाद में सैलरी आती है तो उस समय पर भी आप चुका सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये कुछ अपडेट था पेटीएम पोस्टपेड को लेकर जो कि आपको बताना बेहद ही जरूरी था, जो कि आपके काम का भी था। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी अपडेट टेक न्यूज के लिए आप हमारी वेबसाइट www.technicalcharger.in को विजिट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो कैसे लगी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में घूम बोलेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ और ज्यादा कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर अभी नहीं कर घंटे बटन पर दबा दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो और अनाउंसमेंट आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े थे मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।